करोड़ों का कर्जा माफ हो जाएगा, करोड़ों का कर्जा चुक जाएगा। करोड़ों का कर्जा भी होगा तो आपको हेडेक नहीं है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था आपके पास हो जाएगी कि आप सहज ही वो चुका सकेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में आप हमेशा आपका स्वागत होता है। आज भी आपका स्वागत पूरे मन से कर रही हूँ। आज जो आपको जानकारी देने जा रही हूँ वो बहुत खास है। आज मैं आपको साबूदाने का दिव्य टोटका बता रही हूँ, जो आपको कुछ संख्या में रखना है, किस जगह रखना है, कैसे रखना है, इसके लिए पूरा वीडियो देखिए। वीडियो देखने के लिए आपको एडवांस में थैंक्स बोल देती हूँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन ब्लेसिंग्स भी दे दूँ। मेरे जो 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 सब्सक्राइबर हैं, सदा खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहें, उनका हर काम होता रहे, उनकी प्रगति होती रहे, उनकी तरक्की होती रहे, उनके घर में खुशहाली का माहौल हमेशा विद्यमान रहे, यह मेरी ब्लेसिंग्स उनके लिए है। तो आप भी आज पहली बार जुड़े हैं इस चैनल से, डॉक्टर उमाश्री चैनल से, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे इसी तरह की जानकारी भविष्य में आपको प्राप्त होती रहे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो साबूदाने पे केंद्रित है। मित्रों, जो साबूदाना होता है वो शुक्र की वस्तु होती है और चंद्रमा की भी वस्तु भी होती है। श्वेत वस्तुओं पर शुक्र और चंद्रमा का आधिपत्य है और ये इस शक्ति को जागृत भी करते हैं। चंद्रमा की शक्ति को सफ़ेद वस्तु जागृत करती है और शुक्र को भी जागृत करती है। इनका सही सही इस्तेमाल अगर दैनिक जीवन में किया जाए तो ये ग्रह हमारे लिए बहुत सुखदायक और समृद्धि कारक साबित हो सकते हैं। चंद्रमा मन का कारक है और मन को शांत करने के लिए आपको चंद्रदेव की उपासना करनी चाहिए, फुल मून आपको दर्शन करना चाहिए और शिव जी का आपको मंत्र जाप करना चाहिए, जो इस प्रकार है, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र इतना चमत्कारी है जो आपके मन को विचलित नहीं होने देता। मोती का दान भी बहुत श्रेयस्कर माना गया है और शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना, दही चढ़ाना, क्योंकि ये भी सफ़ेद वस्तुएँ हैं, तो इनसे आपको चंद्र शांति मिलती है और शिव जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। साबूदाना बहुत चमत्कारिक है, व्रत उपवास में तो खाया ही जाता है, लेकिन इसके और भी टोटके हैं, उपाय हैं, जो ज्योतिष और तंत्र मंत्र से जुड़े हैं। तो आपको 20 छोटा वाला नॉर्मल खिचड़ी वाला साबूदाना लेना है और उसको एक सफ़ेद कपड़े में बांध कर अपने घर के अग्निकोण में रखना है। अपना जो अग्निकोण होता है उसको लाल रंग से आप जागृत करते हैं, लेकिन शुक्र का भी आधिपत्य इस जगह होता है अग्निकोण में, तो सफ़ेद वस्तु भी रखी जा सकती है। अगर आपको वहम है तो आप लाल रंग का भी कपड़ा ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाल रंग का कपड़ा आप ले लीजिए और आपको लाल रंग के कपड़े में 20 साबूदाने आपको बांधने हैं। 20 जो नंबर होता है वो चंद्रमा का होता है, यानी मूलांक 2 को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको बहुत फ़ायदा होने लगता है। 0 जो होता है कामदेव को रिप्रेजेंट करता है, जो जिन पर शुक्र का आधिपत्य आप मान सकते हैं, क्योंकि शुक्र काम का ही प्रतिरूप है। तो जो 20 की संख्या होती है वो चंद्रमा और शुक्र दोनों को ही रिप्रेजेंट करती है। तो 20 की संख्या में आप अग्निकोण, जो शुक्र की ही दिशा है, उस दिशा में आप लाल कपड़े में 20 साबूदाने बांध के रख दीजिए या सफ़ेद कपड़े में 20 साबूदाने बांध के रख दीजिए। आप लाल भी ले सकते हैं, लाल रंग बहुत शुभ है इस दिशा में और इस दिशा की शक्तियों को जागृत करता है। तो यहाँ आपको रखना है और शुक्रदेव का मंत्र जाप भी आपको करना है, जो इस प्रकार है, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, ओ या ओम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र का 6000 बार आप जाप करें तो आपके सारे कर्जे माफ़ हो जाएंगे, मतलब ऐसी स्थिति आ जाएगी आप खुद चुकाने में सक्षम हो जाएंगे। चुकाना तो पड़ेगा आपको, माफ़ तो ऐसे नहीं होता करोड़ों का मतलब मूल्य का राशि, लेकिन आपके पास खुद के पास इतना पैसा आ जाएगा कि आपको कोई भी भार नहीं पड़ेगा और आप सहज ही रूप से करोड़ों रुपया चुका सकते हैं। तो आपने लोन लिया है, ये उसमें काफ़ी असरकारी है, और आप अपनी समृद्धि चाहते हैं, इसमें भी ये टोटका बहुत असरकारी है। कहीं ना कहीं से आपके पास पैसा आएगा, पैसों की तकलीफ आपको कभी भी नहीं होगी ज़िंदगी में, ऐसा ज़बरदस्त टोटका है और उपाय है। एक बार में ही सफलता देता है, लेकिन एक बार में नहीं सफलता मिले तो 20 सोमवार आप अवश्य करिए या 2 सोमवार करके देखिए, आपको चमत्कारी परिणाम 2 सोमवार में ही मिलने लगेंगे। ये पूर्णिमा पे भी किया जा सकता है ये उपाय।
तो आज का उपाय आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। अगर ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करना, ऐसी जानकारी सबसे शेयर करनी चाहिए जिससे आपको सबका आशीर्वाद प्राप्त हो और आपके ज़रिए मुझे भी आशीर्वाद की प्राप्ति हो जाए। कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि मैं किस तरह की वीडियो आपके लिए बनाऊँ जो आपको लाभान्वित कर सकें और फ़ायदा पहुँचा सकें। मेरे YouTube पर अन्य वीडियो देखने के लिए आप टाइप कर सकते हैं डॉक्टर उमाश्री। मेरे 4000 से भी ज़्यादा वीडियो हैं जो आपके सामने आ जाएंगे, जो तरह तरह से आपको लाभ की प्राप्ति कराएंगे। आप मुझसे ज्योतिषीय सलाह भी ले सकते हैं। 1000 में अभी 2 सवालों के जवाब दे रही हूँ। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के जरिए हमसे संपर्क करिए और पूरा प्रोसीजर जानिए। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।